गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है वो हमारी यूट्यूब फैमिली को समर्पित है ना, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, भले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं, उन सभी को आज मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और फुल पूरे तरीके से ये जो वीडियो है वो आप लोगों को ही डेडिकेटेड है और ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत समर्थन किया है। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उनको मैं बता दूं, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल सिंह राजपूत है। मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पिछले आठ से नौ साल से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बच्चों के लिए करवाई है। उनको मैंने मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग पढ़ाया है। अभी मैं इंडियन रेलवे में काम करता हूँ। अब जो आज का वीडियो है, हम उस मुद्दे पर आते हैं, उस टॉपिक पर आते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये मैं, मेरी जितनी भी YouTube फैमिली है, चाहे वो मेरा सब्सक्राइबर हो, चाहे वो मुझे सब्सक्राइब ना किए हो, मेरी वीडियो देखता हो, चाहे वो मेरा वीडियो डिसलाइक करता हो चाहे लाइक करता हो, सभी के लिए है ना, क्योंकि सब टाइप के मेंबर्स हैं मेरे YouTube फैमिली पर, उन सभी को मैसेज है कि आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया, जितना समर्थन दिया है ना मेरे YouTube चैनल पर, पूरी जर्नी में मैंने आपकी YouTube में रनिंग, सॉरी, ग्रुप डी के लिए रनिंग कैसे करें, ग्रुप डी का DV कैसे होता है, रेलवे में मेडिकल कैसे होता है, या जितने भी डाउट हैं आप पूरे वीडियो दिखा उठाकर देख लीजिए। मैंने हर वीडियो में इंडिविजुअली लगभग 95% बच्चों का डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। उन्होंने जिस तरीके का भी डाउट पूछा है मैंने डाउट उनका क्लियर किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे सब्सक्राइबर्स का भी नाम लूँगा जो रेगुलर बेसिस पर कमेंट करते हैं और जिनके मुझे नेम याद हो गए हैं, तो उनको मैं धन्यवाद दूंगा। और जिसका भी नेम छूट जाए तो वो कमेंट करे, मैं उस कमेंट में उसका रिप्लाई करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है ना। तो जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो सबसे पहले एक मेरा फ्रेंड है रितेश नाम का, उसने मेरा सपोर्ट किया। उसके बाद रेगुलर बेसिस पर कमेंट किए, लक्ष्मी एक स्टूडेंट थी मेरी जो ऑफलाइन क्लास की थी, उसने कमेंट किए। एक और लड़का है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पर कमेंट करता है, उसने मेरा मनोबल बढ़ाया। उसके बाद पूजा द्विवेदी, रिया सेन है ना, विकल्प गौतम, MKS भाई और इंडियन राजपूत लोधी, राजपूत भाई, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनका भी मैं नाम ना ले पाऊँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं नाम मुझे मेरी जुबान पे नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे याद है या आप लोगों को मुझे ग्रेटिट्यूड देना था, शुक्राना दिखाना था कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, ठीक है। और रही बात कि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि सर इस जॉब को हम लोग करें या ना करें, या फिर इस जॉब में इतना सब कुछ करना पड़ता है या वैल्यू नहीं मिलती, तो मैं बार बार आपको यही मैसेज देता हूँ वीडियो के माध्यम से, मोटिवेट करता हूँ कि अभी जो आपको मिला है उसको करिए और आगे बढ़ने के प्रयास करते रहिए, ठीक है। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको मैं धन्यवाद देना चाहता था, और अपने गुरुओं का या जिनसे भी आपको सीखते हैं उनका सम्मान करिए। देखिए, मेरे पास मेरे घर पर फोटो भी है मेरे गुरु का, ठीक है, जिनका मैं सम्मान करता हूँ, उनका मैं आशीर्वाद लेता हूँ जब भी मैं घर आता हूँ, और हमेशा मेरे मन में इनके लिए रिस्पेक्ट है, इज्जत है। और जैसे लोगों से आप जुड़े रहेंगे ना, उन्हीं की एनर्जी आपके अंदर आएगी, उन्हीं का मोटिवेशन, उन्हीं के विचार आपके अंदर ट्रांसफ़र होंगे, है ना। ये यूनिवर्स जो है, आप जिस तरीके के लोगों से घिरे होते हैं, जिस तरीके के माहौल में होते हैं, उन्हीं की एनर्जी आपके अंदर रिलीज़ होती है। अगर आपका ग्रुप या आपके जो सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो पॉजिटिव नहीं है या नेगेटिव तरीके की बात करते हैं तो आप नेगेटिव रहेंगे। अगर आप पॉजिटिव हर चीज़ में पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो पॉजिटिव रहेंगे। हर चीज़ में या हर सिचुएशन में आपको किसी भी नेगेटिव बात में भी पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है, तभी आप लाइफ में अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है। और छोटी छोटी बातों में परेशान होना बंद करिए, छोटी कि अभी पैनल नहीं आया या ज्वाइनिंग नहीं आई, हर चीज़ समय पर आएगी और आएगी, तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए और आगे बढ़ने के प्रयास करते रहिए, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना था। कुछ लोगों के लिए ये वीडियो अभी भी फालतू होगा तो उन लोगों को मैं नहीं बदल सकता, ठीक है। उन लोगों को लगेगा कि ये चैनल पर व्यूज़ बढ़ाने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को मैसेज देना था, आप लोगों ने जितना भी सपोर्ट किया उनका तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद। अब भले ही आप मेरे जो कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर होंगे वो वीडियो देखना पसंद ना करें, क्योंकि लेकिन मैं समय समय पर लाइफ से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड या बहुत कुछ ऐसा सिखाने की कोशिश करूंगा जो थोड़ा सा यूनिक होगा और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। तो आप सभी का, जिनका मैं नेम नहीं ले पाया हूँ, जिन लोगों को मैं कुछ नहीं कह पाया हूँ,
हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया। और कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप अपनी यूट्यूब अर्निंग जो है वो शेयर करिए, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों से मेरी यूट्यूब की क्या इनकम है शेयर करूंगा और आप लोगों ने मेरा कितना सपोर्ट किया। इवन मैंने जहां पर 7-8 साल दिए अपने प्लेस पर, वहां के लोगों ने उतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अलग अलग राज्यों के लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और वो मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे प्यार करते हैं। तो आप लोगों को भी लव यू सो मच एंड थैंक यू ऑल। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।